वही कोटा के राजसमंद में लगातार बढ़ रहे लंपी वायरस पर चिंता जताते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी समेत मंत्री लालचंद कटारिया ने अधिकारियों पर फटकार लगाई है। मंत्री ने कहा है कि पशु बीमार है तो उसके उपचार के लिए ठोस कदम उठाए जाए, साथ ही कृषि विभाग, ग्राम पंचायत, नगर निकाय सभी को संयुक्त रूप से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वही कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। इस दौरान एडीएम रामचरण शर्मा समेत कई अधिकारी मौके पर तैनात रहे, मौजूद नजर आए और साफ तौर पर लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और बैठकों का दौर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, लंपी स्किन डिजीज जो राजस्थान के लगभग एक जिले को छोड़कर, शायद 12 को छोड़कर सभी जिलों में फैल चुकी है, आज राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट में हमने इसकी समीक्षा बैठक रखी है और इसको रोकने के जो प्रयास है वो लगातार जारी है। अभी तक के राजसमंद की जो स्थिति है वो रोग के बढ़ाव की तरफ है, उसकी हमने समीक्षा की है और ये मालूम किया है कि जहाँ जहाँ कोई कमियाँ रही है अवेयरनेस प्रोग्राम की, उसके दिशा निर्देश और जारी किए गए हैं। राजस्थान में अभी तक इस बीमारी से 516,000 पशुधन की मृत्यु हो चुकी है।